अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहले जो खबर दोस्तों आ रही, फॉर्मल एजुकेशन मीन्स से फेस टफ ऑब्स्टेकल टू अपरूट करप्शन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हर देश में, दुनिया के हर एक शहर में, हर एक देश में, वहाँ पे जो करप्शन होता है, यानी दोस्तों जो नीचे से पैसा जो लिया जाता है, वो हर देश में होता है। दोस्तों, कुवैत में लगातार वहाँ पे ऐसा हो रहा था। दोस्तों, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर एजुकेशन है अहमद अल मुफ्ती साहब एडमिट टू एक्सपीरियंस अ टफ टाइम टू विद इन द मिनिस्टर व्हेन ट्राई टू अपरूट करप्शन। मतलब अपरूट दोस्तों करप्शन को रोकने के लिए मतलब बहुत ही मुश्किलें हो रही। दोस्तों, बताना चाहूँगा, व्हेन ही वांटेड द सेम मिनिस्ट्री ऑफ 8 मिलियन दिनार स्ट्रेसिंग द देयर द सीनियर ऑफिसर। दोस्तों, करीब करीब 8 मिलियन दिनार दोस्तों मतलब बताना जा रहा है कि वहाँ पे स्मगलिंग हो चुका है, सॉरी वहाँ पे करप्शन, वहाँ पे मतलब दोस्तों साफ तौर पे कहना ये है कि करप्शन हर जगह है और इसे रोकने की ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन कोशिश की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे मतलब गवर्नमेंट से रोकने की कोशिश की, ऐसा उन्होंने बोला है। अगली खबर साथियों आ रही है, न्यू फेनोमेना अराइजेस आफ्टर लॉन्चिंग इज सम ई गवर्नमेंट सर्विसेज। दोस्तों, बताना चाहूँगा आपको, वहाँ पे जो वहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे एक सर्विस लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम दोस्तों ई सर्विस सर्विसेज, जिसे आप कह सकते हैं, जो कि वहाँ पे जितने भी वर्कर वगैरह होंगे या गवर्नमेंट सर्विस के जो भी दोस्तों वर्कर होंगे या फिर प्राइवेट वर्कर होंगे, उनको बहुत से काम ऐसा होगा दोस्तों उनको ऑनलाइन करने में काफ़ी सुविधा होगी और उनको जो दिक्कत परेशानियाँ जो भी होती है, हर काम वहाँ पर ऑफिस जाके करवाना पड़ता है, खासकर डोमेस्टिक लेबर वर्कर को, वर्करों को, लेबरों को, ये सबको दोस्तों अब दिक्कत परेशानियां नहीं होगी। अब जो भी काम होगा दोस्तों आसानी से हो जाएगा, दिक्कत परेशानियां बहुत ही कम होगा। अगली खबर साथियों, स्पॉन्सर रिन्यू डोमेस्टिक एकामा ऑनलाइन। दोस्तों, बताना चाहूंगा, करीब 599 रेसिडेंशियल रेनुआ ट्रांजेक्शन डोमेस्टिक वर्कर जो आर्टिकल नंबर 22 के हिसाब से दोस्तों प्रोसेसिंग में लगा हुआ जो वेबसाइट ऑफ जो इंटीरियर मिनिस्टर का जो वेबसाइट उस पर हो रहा है। तो दोस्तों, ये फर्स्ट डे ऑफ द लॉन्चिंग द साइट, तो इसमें दोस्तों दिस ऑनलाइन द डिसीजन द रिन्यू द रेसिडेंस परमिट टू डोमेस्टिक वर्कर। इस वेबसाइट पे साथ जो डोमेस्टिक वर्कर जो रेसिडेंट डोमेस्टिक वर्करों का जो रेसिडेंस होता है वो ऑनलाइन ऑनलाइन दोस्तों काम होगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब इस साल के बिगिनिंग में ही वो काम स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों, ये भी काफ़ी अच्छी पहल है दोस्तों सर वहाँ पे वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि दोस्तों ये काम भी अब ऑनलाइन हो जाएगा। जितने भी डोमेस्टिक वर्कर वहाँ पे काम करते हैं उनका जो रेसिडेंस परमिट है वो अब ऑनलाइन ही हो जाएगा। अगली खबर साथियों आ रही, 2 कुवैती फीमेल इन गैंग सेलिंग सिक लीव सर्टिफिकेट कॉट। दोस्तों, वहाँ पे छुट्टियों के लेकर वहाँ पे काफ़ी वहाँ पे ज़्यादा दोस्तों वहाँ पे मुश्किल आती है। तो दोस्तों, वहाँ पे एक गैंग था जिसमें 2 महिला शामिल थी, जो क्या करती थी वो मतलब बीमार होने का दोस्तों एक सर्टिफिकेट बनाती थी और छुट्टियां लोगों को, वर्करों को, लेबरों को देती थी। उसके लिए वो अच्छी खासी पैसे लेती थी, जिसके बाद दोनों महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, ये काफ़ी दिनों से ये चल रहा था। ये बताए जाते दोस्तों ये अदान हॉस्पिटल से दोस्तों ये बना अदान हॉस्पिटल का स्टम्प बना के रखी थी और वहाँ पर कुछ वर्क डॉक्टर थे उनका मतलब साइन लेकर स्टम्प मारकर वो बनाती थी और सील करके देती थी, जिसके बाद उसे मतलब काफ़ी पैसे वो इसे वो कमा रही थी। और बहुत से लोगों ने इस पर किया था दोस्तों, कुछ लोगों ने इस पर कंप्लेन किया या फिर ये खुफिया विभाग को मालूम चले, जिसके बाद दोनों महिलाओं को पकड़ा गया है। अगली खबर साथियों, कोविड-19 को लेकर मैं 2-4 दिनों से नहीं बता रहा था साथियों, तो सोचा मैं आज मैं इस पे बता देता हूँ। तो न्यू केस दोस्तों वहाँ पे 411 है, टोटल वहाँ पे 1,52,438 केस अभी तक टोटल आ चुका है। खुशी के बाद साथियों ये है कि वहाँ एक भी लोग की आज मौत नहीं हुई, टोटल वहाँ पे 938 लोग मर चुके हैं कोविड-19 से। न्यू रिकवरी 231 है, टोटल वहाँ पे 1,48,015 लोगों का अभी तक वहाँ पे रिकवर हो चुके हैं। क्रिटिकल केस के बारे में बात करें तो 56 है और एक्टिव केस के बारे में बात करें तो 3,485 है। न्यू टेस्ट दोस्तों वहाँ पे 10,558 लोगों का जांच किया गया, टोटल जांच अभी तक वहाँ पे 12,87,555 लोगों का जांच किया जा चुका है। साथियों, यदि आपको कोई भी स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम है तो आप 151 पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर www.moh.gov.kw वेबसाइट पे जाके आप लॉग वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट थी साथियों जो कुएं से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।